हेलो गाइस गाइस, आज मेरा ऑप्शनल लॉ का जो फाइनल पेपर था वो हो गया है। और आज का जो पेपर था काफ़ी, मैं कह सकता हूँ, इजी टू मॉडरेट लेवल का था, टफ़ नहीं था। और बाकी लेंथी तो होता ही है, ऐसा कोई भी पेपर मेंस में नहीं हुआ जिसमें आपको लास्ट टाइम पे टाइम जो है वो कम पड़ जाता है और आप लिखना बहुत कुछ चाहते हो पर घड़ी की सुई 5 मिनट का टाइम दिखाती है और फिर आपको जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने पड़ते हैं। तो आज भी वैसा ही हुआ, 3 बजे पेपर स्टार्ट हुआ और 6 बजे तक पेपर चला और 5 मिनट कम 6 तक मैं लिखता जा रहा था और लिखने को बहुत कुछ था लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से कुछ क्वेश्चंस में कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। और ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसे कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा होगा अपने किसी क्वेश्चन में, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपकी कोशिश यह रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो, अपना अटैम्प्टेशन लेवल बढ़ाओ और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश में हमारी क्वालिटी बिल्कुल थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि पेपर जो है वो फुल अटैम्प्ट करना चाहिए और फिर एक दो क्वेश्चन तो थोड़ा सा उसमें हो ही जाता है। लेकिन ओवरऑल जो ये पेपर था काफ़ी अच्छा पेपर था, इजी क्वेश्चन भी आए हुए थे और कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी आए हुए थे और कुछ थोड़े से अनकन्वेंशनल भी थे क्योंकि इसका सिलेबस भी थोड़ा सा ज़्यादा था। तो जो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट और 5वां पार्ट है वो तो आपको पता है कि वो कंपलसरी है और बाकी ठीक था। ओवरऑल पेपर अच्छा गया है और क्वेश्चन अच्छे थे, आप देख सकते हैं। ये क्या आ गया, फ्री कंसेंट, हाँ फ्री कंसेंट वगैरह ये सब पूछा हुआ था। तो जो भी लॉ बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं वो देख सकते हैं इस पेपर को और मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा तो आप वहाँ से जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं बाकी पेपर भी डिस्कस करूँगा, सोच रहा था मैं एक ही साथ एक ही वीडियो में सारे पेपर डिस्कस कर दूँ लेकिन मैंने सोचा चलो अलग अलग बना दिया जाए तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी रहती है। तो फ़िलहाल ये लॉ का पेपर था, आप देख लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू।